नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मैथ के सेशन में। मैथ मंत्रा यानी करंट हेवन मैथ मंत्र के रूप में आपके दिमाग में भर देगा। और करंट हेवन, करंट मतलब आपको पता है क्या होता है, हेवन मतलब स्वर्ग होता है। आप मैथ के स्वर्ग में, आप इस स्वर्ग को अपना बना लीजिए, यह आपका घर है। और इस घर में पूजा होती है, और जिस घर में पूजा होती है उस घर में आपके अनुसार सब कुछ होता है। साफ सफाई, किसको लाना है, किसको भगाना है, यह सब आप करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए फटाफट, जिससे कि सारे मित्र आपके जो भूले भटके हों, जो कहीं से भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इस शौक में हो कि प्रमोट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातें, एग्ज़ाम कब होगा, इस शौक में हो ना, उनसे बोल दें कि भैया अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करिए औरों के चक्कर में, आप पढ़ाई कर लीजिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए सोचा जा रहा है, तो आप पढ़ाई करेंगे। अब हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ही नहीं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। कुछ प्रशिक्षकों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो गंगवार जी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, उनका कहना है सर, देखिए वो यूपीटेट के सारे क्लास देखती हैं, तो उनका कहना है सर एक क्वेश्चन था बता दीजिए, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो आप वापस से एक क्वेश्चन बना के अपना जो था थोड़ा सा उसको लिख कर बोर्ड पर देख कर यूपीटेट वाला वो दे देंगे हमें। ठीक है, हम उसको वहीं पर सॉल्व करके उनको दे देंगे। ठीक है भाई, और आपसे विनम्र विनती है कि आप सेकेंड सेमेस्टर को भी देना है आपको, और आपके लिए हम खड़ा रहेंगे, हमेशा हर समय खड़ा रहेंगे, बिल्कुल जीत दिला के रहेंगे, यह हमारा वादा है। अगर आपने यहाँ से देखकर मैथ गए तो एक नंबर भी कम नहीं आएगा, अगर आप चाह लोगे तो। अगर हमारे साथ मेहनत करना चाहते हो, जैसा कहें वैसा करिए, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार वीडियो को रिवाइज करिए, देखिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दोबारा क्या करिए उसको थोड़ा सा भगा के देख लीजिए, तिबारा क्या करिए कट 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 कट, मतलब भगा भगा के इतना भगा दीजिए कि आपको लगे ये सर ने न्यूमेरिकल लिख दिया बोर्ड पे, तो ये तो आ रहा है आगे, फिर ये आ गया आगे, इस तरह से देखिए, मतलब तीन बार अगर देख लिया आपने तो शायद आपका क्वेश्चन गलत हो। और हम ये वादा करते हैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। सीना ठोक के कहते हैं मित्र, आके टाइप करके जाना, यहां से यहीं पर आकर टाइप करना कि सर यह प्रश्न बाहर आया था, हमने पिछला वाला हमने मैराथन क्लास कराया है सेकंड सेमेस्टर का, बहुत सारा मैथ का जो प्रशिक्षु बैग थे फिर से बैग लगाए उनका ना, जो पहले से थे यहाँ पर वो खुद दिए होंगे पेपर, उनसे पूछिए जाकर जिन्होंने 25 में 24 नंबर 23 नंबर 21 नंबर 19 नंबर लाए हैं, है ना, आउट ऑफ सिलेबस था तो भी उन्होंने मार के आया बाजी। और अगली बात थर्ड सेमेस्टर के मैथ क्योंकि आपको देने हैं वो भी कंप्लीट करा दिए हैं, यूपी टेट के क्लासेस सारे कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट के आने वाला है बहुत जल्द यूपी टेट, तो उसकी भी आप एक एक दो दो वीडियो एक आध दो घंटे करके देखा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सारे क्लास आपको मिल गए हैं, अब यह रहता कि क्लास लगवाने हैं तब दिक्कत होता, हम सारे क्लास दे दिए हैं आपको, प्लेलिस्ट में आइए, यूपी टेट का हिंदी, यूपी टेट का मैथमेटिक्स, यूपी टेट का इन्वायरमेंट, यूपी टेट का सीडीपी सब पढ़ा हुआ है पूरा कंप्लीट एक एक चीज। ठीक है, तो आप देखिए आपको जो करना है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, आशा करते हैं सारे प्रश्न जुड़ गए होंगे, जितने जुड़े हैं उतने से एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब सही है ना, बताइए भाई बताइए फटाफट मित्र, सभी लोग बताएंगे सही है, आगे चलें फिर स्टार्ट करें। सबको गुड आफ्टरनून भाई, 3 बजे सेशन होता है आपका 3 PM पर, सभी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सभी लोग कमेंट बंद करेंगे, सिर्फ देखेंगे। इस पूरे सेशन में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमने खत्म कर दिया, हमने कहा है भाई एक अध्याय एक दिन में खत्म करेंगे, वादा किया है तो करेंगे। ठीक है, तो अब एक दिन में एक अध्याय जब खत्म करने की बात ही की गई है तो क्यों ना बेहतरीन तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि यह आपके यूपी टेट में ही नहीं, डीएलएड में नहीं, यूपी टेट में भी पूछा जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से किया जाए भाई। चलिए अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मित्र, पहले समझेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन भरपूर लगाएंगे आपके मैथ में, यह न्यू सेशन वाला है, न्यू है, और मैथ का जो न्यू बुक आया है ना आपका डीएलएड का मित्र एप्लीकेशन पर, वो थोड़ा सा उसमें गलतियां दी गई हैं, उसको हमने सुधारा है फिर किया है। अगर आप देखेंगे इस वीडियो को फिर उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या गलतियां हैं उसमें, बहुत सारी जगह लिखना चाहिए था वाई, वो लिखा है 8, मतलब गलती है बहुत सारी जगह, बहुत ब्लंडर मिस्टेक से कहा जाएगा, वो फिर से सुधार कर न्यू सेशन में फिर से आएगा। बीजी व्यंजकों के उदाहरण, आप देखिए बीजी व्यंजक क्या होता है मित्र, अगर हम आपसे बोले, बस हमारी बात को समझते चलिएगा, सारी चीजें समझाने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ₹100 की अगर एक टॉफी मिलती है, ₹100 में एक टॉफी लिख लेना, बड़ी छोटी कुछ भी हो, अच्छा गलत हो गया भाई, देखना ₹100 में एक टॉफी मिलती है तो बताना 10 टॉफी कितने में मिलेगी, 10 टॉफी कितने में मिलेगी, फटाफट बताइए 10 टॉफी कितने में मिलेगी, ₹100 में एक टॉफी तो 10 टॉफी कितने में, तो भैया ₹100 में एक टॉफी मिल रहा है, 10 टॉफी का प्राइस 10×X होगा कि नहीं होगा। अब यह एक बीजी व्यंजक है, इसे क्या बोलेंगे, बीजी व्यंजक बोलेंगे। अगर हम आपसे बोले 10X में एक्स टॉफी ₹10 मिल रहा है तो एक टॉफी कितने का मिलेगा, या फिर यह बोल दें 10 टॉफी
दस ट्रॉफी 10x रुपए में मिल रहा है, इतने रुपए में मिल रहा है, 10x रुपए में मिल रहा है, 10 ट्रॉफी 10x रुपए में मिल रहा है, तो बताइए एक ट्रॉफी कितने का मिलेगा। अब एक ट्रॉफी के लिए आप क्या करेंगे, 10 ट्रॉफी 10x रुपए में, तो एक ट्रॉफी के लिए क्या करेंगे, एक ट्रॉफी कितने में, तो आप करेंगे सर 10x बटे के ये वाला 10, अब कट्टम कुट्टम तो x रुपए में मिलेगा, दोनों बातें हमने डिस्कस कर लिया। x रुपए में अगर एक ट्रॉफी मिल रहा है तो 10 ट्रॉफी कितने रुपए में, 10x रुपए में, 5 रुपए में दो ट्रॉफी मिलता है तो 10 ट्रॉफी कितने रुपए में, 5 रुपए में दो ट्रॉफी, या फिर चलो एक कर लेते हैं, नहीं तो हार्ड हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कहोगे ना हार्ड हो गया भाई, है नहीं कुछ उसमें दम, लेकिन हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं उस सेशन को। अगर 5 रुपए में एक ट्रॉफी तो 10 रुपए में, या फिर 10 ट्रॉफी कितने रुपए में, पहले बता दो 5 रुपए में एक ट्रॉफी तो 10 ट्रॉफी कितने में, तो बता दो 10 पैसे 50 रुपए भाई, 10 पैसे 50 रुपए मिलेगा, वही बात तो हमने यहाँ पे किया। लेकिन यह प्रारूप वह प्रारूप में थोड़ा अंतर है, वह अंकों में था, वह अचर राशियां थी जो चर नहीं सकती है, और चर राशियां वह राशियां हैं जो बदलती रहती है, जिसे बोला जाता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट राशियां मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इन्फाइनाइट तक, और वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो हम मान के लगाते हैं, ठीक है ना। यानी एक्स रुपए में एक ट्रॉफी तो 10 रुपए में, 10 ट्रॉफी कितने रुपए में, 10x रुपए में भाई, हो गया। इसे बोलते हैं बीजी व्यंजक की अवधारणा, यह कभी पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन हमने बेसिक से पढ़ाने की प्लान बनाई है, तो बेसिक से पढ़ाएंगे जिससे कोई भी अभ्यर्थी हो सीख सकेगा। अब हमने बोला कि एक चीज हमने और कहा कि भैया 10 ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। अब 10 ट्रॉफी का जो प्राइस था, यहाँ पे एक ट्रॉफी की प्राइस से हमने स्टार्ट किया था तो गुणा करना पड़ा। अब अगर 10 ट्रॉफी का प्राइस दे ही दिया है 10x, अब आपसे बोला एक ट्रॉफी का प्राइस निकालिए, तो आपको पता है अगर 100 रुपए में 10 समान है तो एक समान का प्राइस बताओ। 100 रुपए में 10 समान है, 10 इक्विवेलेंट समान है, समान यानी ऑब्जेक्ट हैं, 10 इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का प्राइस, तो आप कहेंगे सर एक ऑब्जेक्ट का जो प्राइस होगा ना वो क्या होगा, इससे भाग दे लेंगे, 100 बटे 10 कर लेंगे, आ जाएगा 10 रुपया, 10 दाम में 100, 10 से गुणा कर लेंगे, फिर 100 रुपया आ गया। तो यही ना करेंगे भाई, सेम प्रक्रिया यहाँ पर बीजी व्यंजक में भी होता है मित्रों। 10 ट्रॉफी 10x रुपए में, तो एक ट्रॉफी का प्राइस 10 से भाग करेंगे तो एक रुपए में आ गया, देखिए वही चीज है, बस उल्टा है सीधा है। तो बीजी व्यंजक क्या होता है समझाया, मतलब बीजगणितीय व्यंजक में लिखा जाए उसे ऐसे व्यंजक से लिखा जाए जिसका वैल्यू वेरिएबल हो, वैरी करे, उसे कहते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक का मतलब समझे, बीजी व्यंजक का अवधारणा समझे, मतलब एक ऐसी वैल्यू हमारे सामने हो जो सत्य, जो हम क्लियरली देख कर ना बता सके आखिर इसका प्रारूप क्या है। हम बोले 10x बताओ इसकी वैल्यू क्या है, हम बोलेंगे भैया 10y बताओ इसकी वैल्यू क्या है, हम बोलेंगे 20z बताओ इसकी वैल्यू क्या है, हम बोलेंगे 20+z बताओ इसकी वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है क्या इसका मान क्या है। अगर आप बोलते हैं 25z की वैल्यू 5 रखते हैं, सबका अलग अलग वैल्यू आएगा। हम बोलेंगे भैया एक बार अपने मन में डिसाइड करो इसकी वैल्यू क्या लिख दें हम, तो आप कहोगे सर 25 लिख दो भाई, हम कहाँ कहें 25 लिख दें, दूसरा अभ्यर्थी तो बोला सर 24 लिख दीजिए, वहाँ पर कोई जेड की वैल्यू 5 मानेगा, कोई जेड की वैल्यू 4 मानेगा, कोई जेड की वैल्यू 3 मानेगा, कोई जेड की वैल्यू 0 ही मान लेगा, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू वैरी कर रहा है। तो ऐसे ही व्यंजक जिसके साथ ऐड हो जाते हैं, चर राशियों के साथ ऐड हो जाते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, घट जाते हैं, फिर से सुनिएगा, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, घटाना, ये सारे अगर ये अचर राशियां किसी चर राशि के साथ कर लेते हैं तो उसे कहते हैं क्या, बीजी व्यंजक। समझे आए मित्रों, ये क्या है बीजी व्यंजक, इसका मान बताओ 10x से इसका वैल्यू है क्या, 10x मतलब क्या, हम एक कागज ले गए, कागज पे लिख दिए x बना दिए, हम कहे भैया हमको 500 किलो आलू दे दो, 500 किलो आलू दे दो, पैसा दे दो, हम कहेंगे भैया लो x ले लो, इस x का मतलब 5 लाख रुपया, चलो अब हमको चुट्टा आलू भी दो और चुट्टा उट्टा भजा के जो पैसा बच गया मेरा उसको भी वापस करो। हम शॉप पे गए, एक हमको आलू लेना था, बहुत सारे सामान लेने थे, मान लो हमको 1 लीटर तेल लेना है, सारे वगैरह वगैरह सामान ले लेना है। अब सर ने कहा x का मतलब 100 रुपया है, सब आप कह रहे भैया x चर राशि है, ठीक है, हम x का एक साइन करके एक पत्र ले जाते हैं, हमने कहा भैया ये 100 रुपया ले गए, अब हमको चाट खाना है, हमको समोसा खाना है, समोसा खा लिए, फिर उसके बाद उसे कागज में जो x लिखा था उसे थमा दिए, लो भैया, तो पकड़ लेगा कॉलर, अरे का बेवकूफ बना के जा रहे हैं, हम कहें भैया हमारे गुरु जी बताए हैं कि 5 लाख रुपया है, छुट्टा बजाओ जितना समोसा हो उतना काटो, पैसा वापस करवाओ, ऐसे बोलोगे सब लोग भर्ती करा देंगे, समझ रहे हो ना, और भर्ती हो जाओगे आप, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो काम नहीं करना है यहाँ पर। और जो क्या होता है बीजी व्यंजक, अब हम उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, बहुत ही लो लेवल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी हम भी इसी तरह पढ़े हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी जो 0 लेवल का हो ना वो भी सीख जाए, बस हमारा यही मनोकामना होता है कि आप लोग सफल हो जाएं। तो एक पहला हमने टॉपिक क्लियर किया, दूसरा देखना सजाती और विजाती पद क्या होता है। सजाती मतलब समान जात वाला,
और विपरीत जाति मतलब कि विपरीत जात वाला, अब तो समान जात विपरीत जात, क्या हमारी गर्लफ्रेंड कल की होगी विपरीत जात की, तो क्या उसे हम छोड़ देंगे? है भी तो क्या उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना भाई, बताओ छोड़ेंगे ना? तो रो राजी तो हम राजी, जमी अमी भी राजी, तो क्या करेगा काजी? यही बात होती है ना, तो ये चीज़ है। तो मित्र सजाति और विजाति का मतलब साफ साफ याद समझना, वह सब छोड़ो प्यार मोहब्बत। अब यहाँ देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब इसमें कहेंगे इन सबको जोड़ दो तो एक अभ्यर्थी आएगा करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बताओ सही है कि नहीं सही है? तो हम कहेंगे बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा काम आपने किया है, क्योंकि सब अलग अलग जात के हैं तो इसका वैल्यू भी यही होगा। अगर बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणा कर दीजिए, तो आप भी कहोगे वाह सर जी क्या बात कर दिए, गुणा करना है कर देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया वैल्यू। हम कहेंगे बात सर कर तो दिया आपने, यहाँ पे कोई गलती नहीं की है। अब कितने अभ्यर्थी होंगे कहेंगे अरे इसमें गुणा कैसे होगा भाग कैसे होगा? मित्र एक चीज ध्यान समझना, अगर चार यक्ष है तो केवल केवल और यक्ष वाले ही से जुड़ेगा घटेगा, चार यक्ष है तो केवल तीन यक्ष से ही घटेगा। यहाँ पर जो यक्ष है ना सिर्फ यह देखना है हमको, यह वाला यक्ष दोनों में कॉमन होना चाहिए यक्ष यक्ष। अगर यहाँ पर लिख दे चार यक्ष स्क्वायर प्लस फोर यक्ष स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यह जस का तस पड़ा रहेगा, बस फोर कॉमन कर सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। अगर हम लिख दें मित्र यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहेंगे सर इसमें अंतर आ सकता है क्योंकि यह समान जात के हैं, एक्स स्क्वायर समान जात का है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर सर जी। चार यहाँ पर एक छिपा हुआ है, चार माइनस एक तीन एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखना चार एक्स माइनस तीन एक्स समान जात के हैं, यक्स यक्स है, तो भैया आराम से हो जाएगा, पापा से मम्मी से या फिर थोड़ा सा बवाल उगल नहीं करना पड़ेगा, आराम से सारी चीज़ें शादी ब्याह आराम से होगा। हम इसका शादी कराते हैं, समान जात के हैं तो हम शादी कराते हैं, चार माइनस तीन यक्स यक्स आ गया एक यक्स। लेकिन वहीं पर अगर हम कहेंगे भैया यह एक अलग जात का है एक यह अलग जात का है, बताओ इसको जोड़िए, तो साथ तो रहेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं, हो सकता है कुछ दिन बाद फैमिली मान जाए मानेगी, वो बात अलग है। और यहाँ पर देखना यक्स स्क्वायर ये लहा प्यार मोहब्बत करने अलग अलग कास्ट का, तो ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही करते रहेंगे, अलग अलग ही करते रहेंगे हमेशा और हमेशा, यह अलग अलग ऐसे ही प्यार मोहब्बत करते रहेंगे, यह हमेशा ऐसे ही रहेगा, यह नहीं बदलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर ही रहने वाला है। मित्र एक चीज़ और याद रखना, आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है प्लस माइनस में, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, पहले भाग वाला बता लेते हैं एक मिनट। भाग वाला देखना, जैसे हम बात करें मित्र फोर एक्स स्क्वायर है भागे एक्स कर देते हैं, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर है भागे एक्स क्यूब कर देते हैं, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स है भागे कर देते हैं फोर एक्स। अब हम कहें इसको डिवाइड करिए, सर आपने तो बताया है समान समान वाला ही जुड़ेगा घटेगा भाग करेगा, मित्र हमने कहा है जोड़ना घटना, जोड़ना और घटाना समान समान वाले से होगा, लेकिन भाग वाले की बात आएगी तो मित्र यहाँ पे एक्स स्क्वायर वही एक यक्स का ही कास्ट का, लेकिन यक्स अकेला है, जब यक्स अकेला है मित्र एक यक्स को काटते हैं हम, इसका आंसर आता है फोर यक्स। बात को समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स के पावर दो है यहाँ पे एक्स के पावर तीन है, अगर इसी जगह लिख देते दो के पावर दो बटे दो के पावर तीन, तो आप इसका आंसर बताते सर जी दो का गुणा दो बार हुआ है और दो का नीचे गुणा दो तीन बार हुआ है, तो दो बार तो कट जाएगा बचेगा एक बार, यानी एक बटे दो इसका राइट आंसर आएगा। सेम प्रक्रिया यहां पर भी, बीस गुणे यक्स को दो बार कर लीजिए बटे यक्स को तीन बार कर लीजिए, नीचे यक्स को तीन बार कर लीजिए, यक्स दो बार कट गया बचा क्या बीस बटे यक्स, यही राइट आंसर होगा आपका। सेम प्रक्रिया यहां पर आते हैं, अब यहां पर कोई बंदा ऐसे ऐसे नहीं काट देगा, नहीं तो एग्जामिनर करेगा ऐसे, समझे ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर 4x लिखा हुआ है, यहां पर x है और यहां पर क्या लिखा है 4x लिखा है, तो इस सब में देखिए कॉमन क्या है, सब में x कॉमन है, जो सब में x कॉमन है मित्र, तो आप इसको लिख सकते हैं x इंटू बीस, यहां से x कॉमन हुआ तो 20x बचा, यहां से x कॉमन हुआ तो x क्यूब था तो x स्क्वायर बचा, यहां पर x कॉमन हुआ तो 1 बचा। अब कितने लोग होंगे जीरो वहां पर कर देते होंगे, तो जीरो नहीं करना है, थोड़ा सा सीखिएगा क्योंकि हमें पता है बच्चे बहुत लो लेवल के भी आते हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं। अब यहाँ पर नीचे क्या है 4x है, तो x x से चला गया, यहाँ बचा 20x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटे के 4, यही आपका राइट आंसर होगा। अब बताओ अवधारणा समझ में आया, क्या होता है सजाति क्या होता है विजाति, सजाति जुड़ेगा घटेगा, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं व्यंजकों के जोड़ घटाना, अब वो भी बता दिया, वो भी समझ में आ गया जोड़ घटाना क्या होता है, समझ में आ गया ना। आगे चलें फिर, ये भी मान लेते हैं सजाति और विजाति के साथ हम आपको ये भी समझा दिए, अभी तो वही सब समझा रहा था, सजाति क्या होता है विजाति क्या होता है। आपको एक प्रश्न बन सकता है यहां पर, आपसे यह बोल दे मित्र अपनी संख्या बढ़ा लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है
सारे अभ्यर्थी को पास, मतलब कि सारे ग्रुप में जितने भी यूपीटेट के क्लास हैं पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, कम से कम उसके माध्यम से बच्चे आ जाएंगे। जो देखिए, हम अकेले अगर मेहनत करते हैं तो हमें हमें तकलीफ नहीं है, हमें एक विद्यार्थी आएगा तो उसके लिए भी पढ़ाएंगे, ये हम वादा करते हैं। पहले भी पढ़ाते थे भाई, आप लोग नहीं थे तो यूपीटेट का सारा सेशन हमने दिया ना, एक एक बच्चा पढ़ता था उस समय। हम डीमोटिवेट नहीं हुए क्योंकि हमें पता है भविष्य में आप लोग आएंगे, जब आ गए तो आप लोग का कर्तव्य है कि सर हमारे लिए जब सजा के सारी सिलेबस रखे हुए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है सर को थोड़ा सा प्यार दे दें। तो ये प्यार हमें आप गुरुदक्षिणा के रूप में दें, चाहे जो दें, बस यही गुरुदक्षिणा हमारा है कि बस आप कम से कम अपने अनुसार कभी भी अपनी इच्छाओं को मत मानना, मतलब जितना जोड़ सकते हैं उतना जोड़िए, अपना प्लेटफॉर्म समझिए, इसे जितने अभ्यर्थी तक पहुँचा सकते हैं सब्सक्राइब करवा सकते हैं, चैनल को उतना ज़्यादा फैला दें। हम आपसे उम्मीद करते हैं बस एक चीज़ का, और आप हमसे पूरा उम्मीद कर लीजिए, सारे के सारे मैथ हर एक जगह इन्वायरमेंट यूपीटेट का सारा सेशन सुपरटेट का सारा सेशन हम लगाएंगे, वादा है। व्यंजकों का जोड़ के लिए एक हमने बात कर देते हैं मित्र, एक चीज़ आपको याद रखना यह कि जो सजाती होगा और जो विजाती होगा व्यंजकों का जोड़ है घटाना में ना, एक चीज़ हम जो बता रहे थे अभी, है ना, व्यंजकों का भाग भी है ना, तो हमने जोड़ बताया आपको, एक भाग भी बताया, क्या बताने वाले थे देखिए स्किप करके दिमाग। अच्छा, ये कोष्टक पहले समझ लेते हैं। कोष्टक मतलब कि आपको पता है बॉड मास रूल आप पढ़ते हैं, बॉड मास रूल मित्र, इससे ना यूपीटेट में क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में भी आएगा। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं याद रखना मित्र आपका, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद लाइन ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम तोड़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यह लाइन ब्रैकेट से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। लाइन ब्रैकेट सबसे अंदर होता है, वह टूटता है, फिर मझला, फिर छोटा ब्रैकेट टूटता है, फिर मझला ब्रैकेट टूटता है, फिर यह टूटता है। ये तो ब्रैकेट का करामात हो गया, लेकिन आगे अगर बच्चे देखें, बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अभी हम एक कन्फ्यूजन और आपका दूर करेंगे। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। डी फॉर डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब भागा होता है। एम फॉर मल्टीपल होता है, मल्टीपल का मतलब गुणा होता है। ए फॉर एडिशन मतलब प्लस, एस फॉर सबस्ट्रक्शन मतलब माइनस होता है मित्र, है ना। अब सबसे पहले ऑफ को तोड़ेंगे, फिर भागा को तोड़ेंगे, फिर गुणा को तोड़ेंगे, फिर प्लस को तोड़ेंगे, प्लस माइनस में से कोई एक आगे पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये चीज़ें होगी। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, पहले देखिएगा, अभी हम बस इस सेशन इसको पढ़ाने के बाद फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में क्या गलती हो गया, एक मिनट रुक जाना, बढ़िया प्रश्न देते हैं कोई, चलो नंबर वाला अच्छा ले लेते हैं। देख लेना मित्र, थोड़ा ध्यान से करना है ना प्रश्न को, बढ़िया से करेंगे तभी आएगा। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब ध्यान से देखना है, कितने बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। पहले इसको तोड़ेंगे, चार माइनस तीन एक बचेगा, प्लस बाहर चार है, मझला ब्रैकेट है, आगे यहाँ तीन लगा है, प्लस में यहाँ पाँच है, यहाँ पर गुणे में चार है, और यहाँ पर भागे में चार है। चार प्लस एक पाँच होगा, गुड़े तीन है, तो पाँच तीन पंद्रह लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड़ा तो है नहीं, ऑफ है, जहाँ पे गुड़ा का साइन नहीं बना होता वहाँ पे ऑफ होता है, का जिसे बोलते हैं, का लिखा होता है। तो पाँच तीन पंद्रह हो गया, प्लस पाँच में है, प्लस पाँच में है, और गुड़े चार है और भागे चार है। अगर यहाँ पे हम चार ना दिए होते तो गलती कर देते बहुत सारे लोग, पता है, पहले गुड़ा कर देते, लेकिन पहले हमें भाग करना है, पहले भाग करना है फिर गुड़ा करना है। खैर, बात वह नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, बात यह है कि आप प्रारूप को कैसे अपना रहे हैं। प्रारूप को अपनाएंगे, रूटीन को अपनाएंगे, प्रक्रिया अपनाएंगे, तो एग्जाम में प्रश्न गलत होने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे सर पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करते हैं तब भी सेम आता है, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करते हैं तब भी सेम आता है, इसका मतलब क्या, रूल फॉलो हो जाता है, फॉलो कराया नहीं जाता है, और फॉलो ऐसे जगह हो जाता है जहां पर नंबर मिलना होता है वहां पर नंबर कट जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से कहते हैं रूल से चला जाना हमेशा होता है, रूल एक सिस्टमेटिक कहते हैं ना, घर में अगर आप पाबंदियों के साथ हैं तो आगे भविष्य आपका सुनहरा होगा, लेकिन आप बदमाशी करते जा रहे हैं, माँ बाप कुछ बोल नहीं रहे हैं, रोक टोक नहीं रहे हैं, तो आपका
भविष्य जो है आपके हाथ में होगा, आप किस साइड लेके जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना चार है यहाँ पर, मतलब इसको जोड़ लीजिए, चार गुड़े पाँच पंद्रह बीस हो गया, बीस हो गया बटे भागे चार है, तो भागे चार यहाँ पर आप पहले मत लगाइए, पहले यहाँ पर लगाइए, चार पचे बीस हो गया, अब पाँच चौके बीस आएगा, गुणा करेंगे तो यह इसका आंसर होगा। इस तरह से करते हैं बॉड मास रूल में। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पे बताना, अब ये सारी अवधारणाएं आपको समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आज इस चैप्टर को फिनिश, एक चैप्टर तेरह अध्याय है, तेरह अध्याय का मतलब तेरह दिन, तेरह अध्याय का मतलब तेरह दिन। जिस प्रकार से हमने थर्ड सेमेस्टर का खत्म किया, यूपी टेट का खत्म किया, फोर्थ सेमेस्टर का खत्म किया, वैसे आपका भी सेकेंड सेमेस्टर भी फिनिश करेंगे। वैसे हमने मैराथन दे दिया है, और जो बच्चे पिछले सेमेस्टर पिछले 2016, 2017, 2020 का दो पेपर हुआ था, एक लीक हुआ था पेपर, मतलब कि आउट हुआ था, एक फिर से कराया गया था, तो चारों पेपर हमने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में है, आप आइएगा प्लेलिस्ट में, सेकंड सेमेस्टर मैथ में चले जाइएगा। अब स्क्रॉल आप ऊपर ही देख लेते हो, सर का वीडियो तो आया ही नहीं है इसमें, प्लेलिस्ट में सर ऐड ही नहीं किए, लेकिन नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके, नीचे बिल्कुल चले जाइएगा उसी प्लेलिस्ट में जिसमें लिखा होगा सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, तो नीचे जाएंगे ना उसी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में, ऊपर तरफ स्क्रॉल करके नीचे सारी वीडियो ये वाली जो है ऐड करते हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न लगाइए फटाफट, घटाने की प्रसंक्रिया बताएं, घटाने की 3xy प्रश्न लगाइए फटाफट, 3xy प्लस 5y प्लस 5y प्लस में z में से 2xy प्लस 7y माइनस z को घटाइए, 2xy प्लस 7y प्लस 7y माइनस z को घटाएं, घटाइए पहला प्रश्न, घटाइए भाई, घटाना है भाई, घटाइए फटाफट। दूसरा प्रश्न, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस करना है भाई, प्रैक्टिस करिए बस, प्रैक्टिस करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको तोड़िए 3x 2y प्लस जेड, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करना है मतलब तोड़ देना है, अब आप जिस जो भी समझ के तोड़िए इसे तोड़िए, यह प्रश्न दिया गया है आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जा चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा बिल्कुल ऐसे तरीके से लेंगे, हैंडल करेंगे जैसे लगेगा आपके एग्जाम में आप बैठे हुए हैं, वरना नहीं तो यही कहेंगे सर एग्जाम में हम जाते हैं तो सर पता ही नहीं चलता है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो समझ में आता है, एग्जाम में नहीं समझ में आता है भाई, तो क्यों नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। अगला प्रश्न करिएगा, 2x प्लस 3y का गुणा करना है किससे भाई, 2x माइनस सॉरी 3x, यह प्रश्न भी पूछा गया है डीएलएड में, 3x माइनस 2y डीएलएड में पूछा गया भाई यह प्रश्न, और यह वाला प्रश्न है मित्र ना, यह इसमें वैल्यू रखकर यूपी टेट में पूछा गया था, तो आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, घबराए नहीं, हम सब कुछ बताते चलेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्स प्लस 2 8x प्लस 9 दो अन्य व्यंजक तो प्रशिक्षु की संख्या क्या होगी, चलिए आगे चलते हैं, हाँ इसको देखिएगा मित्र, ये बढ़िया प्रश्न है, चौथा प्रश्न लगाइएगा, लगाते रहिए आप लोग, हम बताएंगे सब। 4 यहाँ पर एक्स क्यूब है, क्या है अच्छा एक्स क्यूब ही है, 4x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर मित्र, थोड़ा सा जुकाम हुआ है और समय समय पर छींक आ रही है लेकिन पता नहीं क्यों रुक जा रही है और बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है, थोड़ी सी सेहत वीक है लेकिन फिर भी हम आपके साथ बने रहेंगे, ये हमारा वादा है। माइनस फाइव एक्स के पावर 1 माइनस फाइव एक्स के पावर में 1 है, यहाँ पे 1 दिया गया है मित्र, देखिए इस प्रकार से लिखा गया है जिससे कि हमें दिक्कत हो जाए, बच्चे अभ्यर्थी परेशान हो जाए, 7 माइनस 9 एक्स के पावर में 1 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर, हम इस प्रश्न को एक बार और रिपीट करेंगे अभी, ये पांचों प्रश्न लगाइए, 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस 5x के पावर 1 है, माइनस 5x के पावर 1 है, माइनस 7 माइनस 9x के पावर 1 है यहाँ पर, प्लस 7x के पावर 2 है, 7x के पावर 2 है, ब्रैकेट बंद है, बस लगाइए फटाफट चारों। चलिए हम लगाते हैं सेकेंडों में लगाते हैं, फिर उसके बाद अभ्यास पे आ जाएंगे, ये प्रैक्टिस सेशन है, आपके एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद अभ्यास पे आएंगे। 3xy 5y z में से इतना घटाना है, घटा लीजिए, 3xy प्लस 5y प्लस z में से माइनस कर लीजिए किसको, 2xy प्लस में 7y माइनस z को, साइन बदल जाएगा बस देखते चलिए आप लोग अगर समझ गए तो, प्लस z माइनस 2xy माइनस 7y प्लस में z,
ये माइनस है प्लस हो गया, सारा जो प्लस था वो माइनस में हो गया। अब देखते हैं मतलब कि एक पदी जो समान पदी होते हैं उनको देखेंगे। एक्स वाई कहाँ पर, यहाँ पर है, तो थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई, तीन में से दो जाएगा तो एक बचता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक एक्स वाई, एक लिखना जरूरी नहीं है। फाइव वाई और वाई कहीं पर, यहाँ पर है, फाइव वाई प्लस में है माइनस सेवन वाई, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, सात में से पाँच गया दो वाई, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो जेड जेड टू जेड, बस यही आंसर है हमारा। ठीक है, छाप लीजिए, इरेज करते हैं, छाप लिए होंगे, इरेज करते हैं फटाफट। थ्री एक्स, थ्री एक्स टू आई प्लस जेड, गुणा करना है बस, तो इसका गुणा कर सकते हैं, थ्री एक्स गुणे दो आई प्लस में जेड गुणे थ्री एक्स, गुणा कर देना है अलग अलग, तीन दूनी छः एक्स वाई प्लस में थ्री एक्स जेड, थ्री एक्स जेड, बस गुणा कर देना है, किसी में गुणा करना होगा, किसी में कॉमन करना होगा, यही सब करना है बस इस चैप्टर में, हो गया, इरेज कर दें, थोड़ा तेज चलते हैं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग कर पाएँ। अब इसको करते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई, थ्री एक्स माइनस टू वाई, गुणा कर लीजिए, देखिए टू एक्स थ्री वाई है, यहाँ पर थ्री एक्स और माइनस टू वाई है, हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखे तो नहीं कॉमन नहीं लेना, गुणा ही करना पड़ेगा, टू एक्स का पहले इसमें, इसमें टू का इसमें करेंगे, तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर टू एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, टू का दो दूनी चार एक्स वाई, बताना यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, दो दूनी चार एक्स इंटू वाई हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा दोनों अचर हैं, मतलब दोनों विपरीत हैं। अब थ्री का करते हैं इसमें, तो तीन है तो तीन थ्री का नौ, प्लस दोनों में आगे, यहाँ प्लस नहीं है कुछ नहीं है तो प्लस लगा देंगे, तीन थ्री का नौ और एक्स वाई, ठीक। अब थ्री वाई है माइनस है, प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा, तीन का दो में गुणा करेंगे तो छः वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे तो वाई, वाई दोनों जगह तो वाई के पावर दो। अब देखना एक्स स्क्वायर कहीं पर है, नहीं है तो लिख दीजिए सिक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहीं पर है, नहीं है तो माइनस सिक्स एक्स वाई, वाई स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए नाइन एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई। अब प्लस वाला, यह तो पद समान है दोनों का, लेकिन अब प्लस है या माइनस है तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस वाला लगाएंगे, नाइन में से चार जाएगा, नौ में से चार जाएगा तो पाँच एक्स वाई, राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। छाप लीजिए, छाप लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फाइव एक्स के पावर, एक है तो हम लिखते नहीं है, एक उसी तरह छोड़ देते हैं, माइनस सेवन माइनस नाइन एक्स के पावर एक है तो एक हम लिखते नहीं, छोड़ देते उसी तरफ, प्लस सेवन, प्लस सेवन, ये क्या बन जा रहा है सुबह, सेवन एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है ना, और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डटे हैं, डटे रहेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, इतना याद रखना, आपको दया आएगी तो शेयर करना, प्रशिक्षकों को जोड़ना। फोर एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट वाला है तो सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, माइनस फाइव एक्स, इस वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर, तो गुणा करेंगे तो सबका सब साइन बदल जाएगा, तो माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन नाइन एक्स है, माइनस फाइव एक्स है, नाइन में से पाँच जाएगा, नौ में से पाँच जाएगा, चार एक्स बचेगा। फोर एक्स क्यूब स्टेप वाइज लिखना है तभी नंबर अच्छे मिलेंगे, माइनस माइनस नौ एक्स और यह माइनस पाँच एक्स, नौ एक्स में से पाँच जाएगा तो चार एक्स, वही प्लस का चार एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस है, और प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का सेवन, ये आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया, बताना। अब यहाँ पे भी माइनस है, सबका साइन बदल देंगे, फोर एक्स क्यूब माइनस बाहर है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सबका साइन बदलेगा तो माइनस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सेवन, ठीक है। अब फिर से साइन पहले तोड़ ही दीजिए, साइन का गुणा करा दीजिए, फोर एक्स क्यूब गुणा कराएंगे तो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, गुणा कराएंगे तो प्लस फोर एक्स, गुणा कराएंगे तो माइनस का प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, फिर गुणा कराएंगे माइनस से प्लस में तो प्लस सेवन हो गया। अब देखना सेवन एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे माइनस नाइन एक्स स्क्वायर है, और कोई नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ यही मैच कर रहा है, देखिए एक्स क्यूब कोई नहीं है, फोर एक्स भी कोई नहीं है, साथ अकेला है, तो इस तरह से फोर एक्स क्यूब, अब नाइन एक्स स्क्वायर या प्लस सेवन एक्स स्क्वायर है तो नाइन वाला बड़ा है, ये भी इसका साइन आएगा, नाइन का साइन आएगा क्योंकि नाइन बड़ा है, नौ में से सात जाएगा, दो एक्स स्क्वायर भाई, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन, ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है भाई। चलिए वादा करते हैं भाई, एक भी प्रश्न इस बोर्ड से उठ के नहीं आएगा, मतलब एक मतलब कि इस बोर्ड के बाहर से नहीं आएगा, इस बोर्ड के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है, 25 से 25 छोड़ोगे, सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और सारे सेशन ऐसे फॉलो करिए कि आपकी ज़िंदगी इसमें है, समझ रहे हैं ना,
अगर इस बार बैक लगा तो बहुत मुश्किल में हो जाएंगे आप लोग। और 2017-2018 के जैसे प्रशिक्षु इसमें जो चीज़ें सह रहे हैं ना, वही चीज़ें आपको देखना पड़ेगा अपने भविष्य के साथ। तो खेले ना, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत ही कम प्रशिक्षु को यह मौका मिलता है। चलिए हम आ जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब आपके जो आपके मतलब कि पेपर दिए हैं यहाँ पर, हम उसके तरफ आते हैं अभ्यास में। क्या बीजी व्यंजकों लिखिए प्रश्न। क्या बीजी व्यंजकों क्या बीजी व्यंजकों 3xy प्लस 7/2 प्लस 7/2 3xy प्लस 7/2 और 3yx प्लस 7/2 में अंतर है। क्या बीजी व्यंजकों इतना में अंतर है, अंतर बताना है। अंतर बताइए, सिर्फ दोनों में अंतर बताइए, इसमें अंतर बताइए। लिखने का उसका तरीका अलग है, समझने का तरीका हमारा क्या है वह बताना है। अगर नहीं है वे अंतर तो क्यों नहीं है अंतर, यह भी बताना है। दूसरा 4x-y कॉमा है बीच में याद रखना, 7x+y कॉमा है बीच में, ध्यान देना इस बात को। 8x+7y को जोड़िए सबको। तीसरा x² + y² - 2xy से x² - y² + 4xy घटाएं। यह बात याद रखेंगे, से इसमें से इसको घटाना है, यानी ये आगे रहेगा। इस बात को समझिएगा, कितने पैसे जो इसको आगे कर देते हैं इसको पीछे, तो थोड़ा ध्यान देना है हमको। चौथा एक रेलगाड़ी की चाल 2x² + x + 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2x² + x + 9 किलोमीटर प्रति हावर है, प्रति घंटा है। वह 8+9y घंटे में कितनी दूर जाएगा, वह 8+9y घंटे में कितनी दूर जाएगा भाई बताना है, फटाफट बताइएगा। चौथा हो गया, अब पहले इन सबको देख लेते हैं, निपटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्या बीजी व्यंजकों इतना का अंतर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो क्या है भैया लिख लेते हैं पहले। 3xy + 7/2 ये दूसरा व्यंजक दिया है, 3yx + 7/2 इनका अंतर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह बताना है भैया। यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी वाई एक्स है, तो अंतर करना है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे यानी कि 3xy प्लस में 7/2 माइनस, या माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3xy, और इसके वजह से भी माइनस हो जाएगा -7/2 भाई। यह भी एक्स वाई है, हम चाहे एक्स वाई लिख दें चाहे वाई एक्स लिख दें, बात तो बराबर होगा भाई। चाहे 5×2 लिखें तब भी 10 आएगा, चाहे 2×5 लिखें तब भी 10 आएगा, मतलब बराबर है ना बात। तो इस वजह से याद रखेंगे, क्योंकि बीजी व्यंजक इसके अंतर कुछ नहीं मिलेंगे, अंतर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। पूछा है अगर अंतर जीरो मिलेगा तो क्यों मिलेगा, तो बता देना है, क्योंकि इसके जो व्यंजक हैं और इसके जो व्यंजक हैं समान हैं, समान व्यंजक के कारण आंसर जो आ रहा है ना जीरो आ रहा है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि यह इससे कटेगा और यह इससे कट जाएगा, जीरो आएगा। बात क्लियर, अगला देखना, ये सारी बातें लिखनी है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, जोड़ना है तो 4x-y पहला व्यंजक प्लस दूसरा, पहले ब्रैकेट में करते चलिएगा यह आदत बना लीजिए, तब जाके अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर भाई, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ब्रैकेट में करते चलिए, गलती कम देखने को मिलेगा। 8x+7y जोड़ दीजिए, सबको ब्रैकेट हटा दीजिए, दूसरे स्टेप में ब्रैकेट हटाएंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट हटा दिया। अब देखेंगे 4x का कहीं है, यहाँ पे x है तो देखिए समान राशियाँ हैं, मतलब समान चर राशियाँ हैं, x, तो यहाँ पर 8+ है, 7+ है और 4 भी+ है, सबको जोड़ दीजिए, 8, 4, 12, 12, 7, 19, तो 19x हो गया। -y यहाँ पे y है, यहाँ पे 7y है, तो y और y कैंसिल, पहली बात है क्योंकि समान है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, बचा 7y + 7y लिख देंगे, राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है मित्र, बता देना जोड़ हो गया। अगला चलते हैं, तीसरा नंबर का देखिएगा जो लिखे हैं बोर्ड पे।
तीसरा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई में से, में से मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई। बस आप लोग देखते चलिए, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट लेने का समय हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने का वादा करिए भाई, भले आया न है कि जो बच्चे कहते हैं सर यहाँ देखते हैं तो फिर वहाँ पर जाते हैं तो भूल जाता है, तो नहीं भाई ऐसा ना करें, 2 से 3 बार देख लें। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस या प्लस, तो माइनस फोर एक्स वाई। अब देखते हैं समान वाई स्क्वायर कहीं आया है, बिल्कुल आया है, तो पहले वाई स्क्वायर को निपटा देते हैं। वाई स्क्वायर एक, वाई स्क्वायर एक दोनों प्लस में, तो टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आया है कहीं, हाँ, कहाँ पर गलती हो गई भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस का, तो कट्टम कुट्टम, यहाँ माइनस टू एक्स वाई, यहाँ पे माइनस फोर एक्स वाई, तो दोनों माइनस माइनस है, साइन माइनस का, माइनस टू समान साइन हमेशा जोड़ देता है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वही साइन आ जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस का, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस का। टू प्लस फोर सिक्स, एक्स वाई है, एक्स वाई है तो एक्स वाई आ गया, यही राइट आंसर होगा। अगर इसमें कॉमन भी करना चाहते हैं तो टू वाई कॉमन कर लीजिए, टू वाई कॉमन करेंगे तो वाई प्लस में माइनस में थ्री एक्स, माइनस में थ्री एक्स ये बचेगा। बस अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। तो इसमें रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में नौ, तो इसको हम इसके जगह लिख लिए। अब बराबर दूरी कितना दिया है, दूरी नहीं दिया है लेकिन घंटा दिया है, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, घंटा समय कितना दिया है घंटे में, एट प्लस नाइन वाई, मिला जुला के हमसे गुणा करवाना चाहता है बस। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में नौ। अब यह वाला इधर आएगा तो गुणा करेगा, आठ प्लस नौ एक्स, गुणा कर लेंगे, बताइए गुणा करने में क्या आएगा, करिए फटाफट। हम इसको इरेज करते हैं ऊपर वाला, देख गुणा करते हैं, पहले हम आठ का या फिर इसको उठाएंगे दोनों में, इसको उठाएंगे दोनों में, इसको उठाएंगे दोनों में, माइनस है ही नहीं तो माइनस प्लस का झंझट ही नहीं। टू एक्स स्क्वायर का आठ में करेंगे तो आठ दूना सोलह एक्स स्क्वायर होगा, दो एक्स स्क्वायर का नौ में करेंगे नौ दूना अट्ठारह, अट्ठारह एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, हमने बताया है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, घातांक रूल हमने पढ़ा दिया है आपको थर्ड सेमेस्टर में, जब एक्स समान है बे समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो वही घातें जुड़ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब दो एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स का करते हैं तो आठ एक्स, अब इस एक्स का नौ एक्स में करेंगे नौ एक्स स्क्वायर, फिर नौ बचा, नौ का करेंगे तो आठ नौ बहत्तर, नौ का फिर इसमें करेंगे नौ नौ इक्यासी एक्स, इक्यासी एक्स बस। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहीं आया है, बिल्कुल भाई यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो नौ दोनों प्लस है तो नौ सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स क्यूब आया है तो पहले एक्स क्यूब को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना पहले एक्स क्यूब, अट्ठारह एक्स क्यूब ये वाला, और आठ एक्स यहाँ पर है, एक आठ एक्स यहाँ पर, तो आठ आठ सोलह एक्स प्लस में बहत्तर, मतलब क्या आ गया अट्ठारह एक्स क्यूब पच्चीस एक्स स्क्वायर सोलह एक्स प्लस बहत्तर, ठीक है भाई ये हमारी दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट। चलिए फिर 6-7 प्रश्न लिखते हैं बोर्ड पर, बस यही लग रहा है लास्ट होगा, इसके बाद खत्म, अभ्यास खत्म आपका, और इसके बाहर नहीं आएगा मित्र, जितना बोर्ड पे छाप दिए वो आपके एग्जाम में छपेगा, महाकाल की सौगंध यहीं से छपेगा, कहीं और से नहीं, यहीं छपेगा। बताना मित्र, यदि 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 एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे के एक्स प्लस वाई का मान बताइए, एक्स प्लस वाई का मान, का मान बताइए, जब इतना दिया हो तो इसका वैल्यू बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दूसरा इस बोर्ड का, टू एक्स, टू एक्स सेवन वाई माइनस में, माइनस में नाइन एक्स प्लस में वाई, ओहो गलत दिया है क्या प्रश्न, देखते हैं क्या दिया है, गलत ही हमको लग रहा है प्रश्न दिया है 101, लेकिन जो दिया है हम उस हिसाब से लगाएंगे, और यह सही दे चाहे गलत दे उससे हमको नहीं जाना है, चलिए लगाते हैं। अच्छा तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिखना है एक्स वाई का योगफल क्या होगा, एक्स और वाई का योगफल कितना होगा, एक्स और यह एम सी क्यू है, एक्स और वाई का योगफल, का योगफल देखिए कितना आसान दिया है प्रश्न, देख रहे हैं ना। चौथा प्रश्न क्या दिया है, निम्नांकित व्यंजकों में
विजाति व्यंजक बताइए, विजाति व्यंजक कौन सा है? अच्छा विजाति व्यंजक कौन सा है दिए, देखिए अब बता दीजिए आप लोग, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा थ्री वाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, और तीसरा दिया है थ्री एक्स एक्स वाई, और चौथा दिया क्या है टू एक्स स्क्वायर वाई। तो इसे बताना है विजाति व्यंजक कौन सा है। देखना एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे भी है, बात क्लियर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है, बस इधर उधर कर दिया है थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ये भी सही है भाई, बस इसको देखना है विजाति व्यंजक कौन सा है। एक्स स्क्वायर वाई अभी है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो ये भी सजाती हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे भी था, यहाँ पे वाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे देखिए वाई एक्स स्क्वायर है मित्र, है ना, सही तो है जी, कहाँ गलत हो गया, सब समान है, हमने गलत लिख दिया क्या, वाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, सब समान है, सब समान है, कोई इसमें भी जाती नहीं है, कोई भी जाती नहीं भाई। अगर यहाँ पे लिखा होता टू, अच्छा एक मिनट, यह भी जाती हो सकता है, क्यों भी जाती हो सकता है यह वाला, क्योंकि यहाँ पर दो लिखा है, यह दो लिखा है इस वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी थ्री एक्स स्क्वायर वाई, इसमें दो लिखा है ना, इस वजह से यह क्वेश्चन राइट हो सकता है, यह प्रश्न यह वाला ऑप्शन राइट हो सकता है, विजाति यही होगा क्योंकि यहाँ पे दो लिखा है और सब में समान है। अगला प्रश्न देखिए भैया, इसका योगफल नहीं बता पाएगा कोई, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई हो गया, बस बात खत्म हो गया, यही ऑप्शन में दिया है। अगला देखिए प्रश्न दिया है ऑप्शन वाला, टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड का मान बताइए, ऑप्शन वाला दिया है तो इसको तोड़ लीजिए, यहाँ पे टू एक्स लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस जेड, इस माइनस से सबको माइनस कर दीजिए, माइनस थ्री एक्स माइनस 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 प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस टू जेड, तो देखिए यह जेड है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई कट्टम कुट्टम माइनस जेड माइनस टू जेड माइनस जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री जेड, यही राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, अगला दिया है इसका मान बताइए भाई, फटाफट बता दीजिए इसका भी, इसी जगह सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, बस इतने में से आपके बोर्ड में आने वाला है भाई, आपके पेपर में आने वाला है, इतना समझ लीजिए, 5xy क्लियर कट, जो बातें हैं सब क्लियर कट है, प्लस या माइनस है, माइनस 2x माइनस 2z माइनस 3y, इस वजह से हम एक एक वीडियो दे रहे हैं आपको ना, एक चैप्टर का एक वीडियो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको, एक वीडियो का 10 मतलब एक ही लेक्चर का एक ही अभ्यास का 10 वीडियो देखने से क्या फ़ायदा भाई, एक अध्याय में एक वीडियो में एक अध्याय, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, 13 अध्याय 13 वीडियो, बस देख लीजिए इसको, देखिए इसको सॉल्व करिए मित्र, तो 5xy प्लस में 3z माइनस 2x माइनस के साथ सब हो जाएगा गुणा, माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 3y, है ना, इसको कर लीजिए फिर, यहाँ पे 5xy प्लस में 3z माइनस है, सबको माइनस कर दीजिए, माइनस 2x प्लस में 2z माइनस में 3y, फिर तोड़ लीजिए, 5xy प्लस 3z ब्रैकेट हटा लीजिए, माइनस 2x प्लस में 2z माइनस 3y, अब देख लेते हैं, यहाँ पे 5xy है, तो 5xy 5xy में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि इसका कहीं व्यंजक नहीं है, 5xy वाला xy का व्यंजक कहीं नहीं है, 3z z z यहाँ पे है, z 3 और 2 5z माइनस 2x माइनस 3y, तो समान नहीं है, अलग अलग है, तो माइनस 2x माइनस 3y, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने बोर्ड वाले प्रश्न पे, ये वाला आपके लिए हम दे देंगे होमवर्क, ये वाला होमवर्क है आपके लिए, एक होमवर्क आपके लिए भाई, इसका हम जिसका सही होगा उसको हम बता देंगे, उसके कमेंट में ही बता देंगे आपका सही है। देखिए इसमें दिया इतना बराबर, जब इतना है तो इसका वैल्यू बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे के एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताइए, आपको पता इतना के बराबर आप बोल ही दिया है इतना है, तो आप इसके पूरे के जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे के एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई के पावर में एक है, इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई, क्योंकि बेस समान है भाई, इस पूरे को अगर हम y मान लें, इस पूरे को y मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 2 y, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 है तो y के पावर 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, इस y की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई ही तो है, तो राइट आंसर x प्लस वाई आ जाएगा, या फिर इन सबको करने से अच्छा नहीं, अच्छा है कि आप क्या करें, x प्लस वाई को x मान लें, मन में मान लें, x प्लस वाई लिखें, पावर जो है भाग में है तो पावर को माइनस कर दें, 2 माइनस 1 2 में से 1 गया 1, यानी x प्लस वाई के पावर में 1,
मतलब कि x प्लस वाई आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाते हैं प्रश्नों को, बस इससे बाहर नहीं आने वाला है। दिन भर में जितने अपडेट आते हैं, जितनी जानकारियाँ आती हैं, आप उसे हैंडल करिए, देखिए, पढ़िए, रिविजन करिए। यू पी टेट के भी सारे क्लासेस, ज्योग्राफी के भी सारे क्लासेस, जिससे आगामी एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकें। एक बार में ही हम क्लियर कर लें एग्जाम को, इसलिए हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा के रख दिए हैं। बस आपका हमें ज़रूरत है, प्लीज़ विनती करते हैं, आप अपने साथ कम से कम 20, 25, 30, 40, 50 बच्चों को जोड़िए, जुड़ते रहिए डेली, जिससे कि हमारी फैमिली बहुत जल्द बड़ा हो और हमको भी एक तरह से सुनहरा मौका मिले कि हम लोग साथ मिलकर पार्टी वार्टी करें थोड़ा सा। ठीक है मित्र, धन्यवाद।